डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जैसे खतरनाक अपराधी के खिलाफ किसी भी तरीके से जेल प्रशासन को, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था को या सरकार को नरमी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी साध्वियों से दुराचार, हत्याओं और अपने साधुओं के अंडकोश निकाले जाने के मामलों में आरोपी है और बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिया जा चुका है और जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा है और कई सनसनीखेज मामले उसके खिलाफ अभी अदालत के अंदर विचाराधीन हैं। एक ऐसे खतरनाक अपराधी के खिलाफ किस तरीके का सरकार को किस तरीके का फैसला लेना चाहिए, ये हम पूरे देश के सामने अपनी बात, अपना विरोध रखना चाहते हैं कि किस तरीके से 25 अगस्त 2017 को डेरा प्रमुख के एक इशारे पर उसके फॉलोअर्स ने पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर किस तरीके से उसको आग के हवाले करने की कोशिश की। इस सारे मामले को देखते हुए डेरा प्रमुख के खिलाफ सरकार को किसी भी तरीके के बहकावे में नहीं आना चाहिए और एक सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए उसकी याचिका को खारिज कर, क्योंकि यह एक ऐसा अपराधी है जो बाहर जेल की सलाखों के बाहर आने के बाद कल को उसको दोबारा से सलाखों के पीछे भेजने के लिए सरकार को, प्रशासन को किस तरीके की मशक्कत करनी पड़ सकती है यह वो भलीभांति जानते हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक इशारे पर उसके लाखों श्रद्धालु जो हैं वो पूरे उत्तर भारत को जो है वो नेस्ता नबूद करने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सरकार को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फैसला लेना चाहिए और उसे किसी तरीके की उसके खिलाफ उसके पक्ष में जो है वो नरमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात में मैं यह कहना चाहूँगा कि जब हिंसा फैली 25 अगस्त 2017 को, उस मामले के अंदर जितने भी आरोपी थे उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भगौड़े हैं, जिनको हरियाणा पुलिस जो है आज तक पकड़ नहीं पाई, जिसमें डेरा सच्चा सौदा की आधी मैनेजमेंट जो है वो शामिल है, चाहे वो आदित्य अहिंसा हो या और भी कई सारे लोग जो हैं वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की पुलिस की पकड़ में ना आ पाना अभी तक कहीं ना कहीं डेरा प्रमुख को किसी भी तरीके से जेल से बाहर लाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, और पहले ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस पे सोचा जाना चाहिए।